डब्ल्यू से वेट, मतलब एक उस आदमी का नाम और उसका वेट। और यहां हम आंसर मांगेंगे क्या होगा, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है अगर यहाँ चार बच्चे हैं या चार आदमी हैं तो उसका वहां आपने वेट टाइप करके रखा हुआ है, यहाँ आएगा क्या आएगा, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, ऐसा आंसर पास होगा। कोई डाउट है, कोई डाउट है? हम चार पहले ही रिजल्ट बना के रखते हैं ताकि आपको सीधे उसको पकड़ने में मदद मिले। डेटा हम टाइप कर रहे हैं, ये आपका हेडर होगा, कैसे याद है, नेम रोल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल, तो ये आपका हेडर हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ठीक है। आपके पीछे की आवाज हमको डिस्टर्ब कर रही है तो हम आपको अभी वहां आके छड़ी से डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस टेबल के इस पार्ट से किसी को कंफ्यूजन है, ये वो सारे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं जिनका शॉर्ट पुट में सिलेक्शन होना है, यही ना है एग्जाम्पल मेरा, शॉर्ट पुट में सिलेक्शन होना है और उसमें क्राइटेरिया क्या है कि अगर 40 किलो से बड़े हो तो एलिजिबल हो, नहीं हो नहीं, यानी कि हम छोटे बच्चों को नहीं लेंगे, यानी वो 5 किलो का होता है, अब एलकेजी का बच्चा है 15 किलो का है तो वो लेके बैठ जाएगा, रुका जाए, नहीं समझे हैं आप लोग, बहुत सीरियस हो गए तो थोड़ा हंसा देना भी जरूरी है नहीं तो बाउंस करे। आप खुद बताइए आपको रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग मालूम चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई डाउट, यानी कि अगर हम देखें ये इजी है, एलिजिबल एन जी नॉट एलिजिबल एन जी नॉट एलिजिबल इजी, यानी कि मेरी क्लास सही जा रही है, घुस रहा है अंदर, सो नाइस ऑफ यू। अब हम ये इसको ये जो रिजल्ट मैंने टाइप किया है मुझे फॉर्मूला से टाइप करवाना है, कोई दिक्कत है, अभी रिजल्ट मिटा दें। अगर आपने टाइप करके दिया तो आपका पोस्ट होगा डेटा ऑपरेटर का, ध्यान दीजिएगा, और अगर आप फंक्शन से ये रिजल्ट निकाल के देते हैं तो आप हो जाइएगा डेटा एनालिसिस,